Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. कमबैक करने के लिए एक चीज करनी पड़ेगी जिसमें थोड़े से कच्चे रहे जैक वो पावर प्लेज में अगर आप देखें विकेट्स आए नहीं है जिसकी वजह से वो समझ में आता है कि बीच में आप क्यों प्रेशर में आ जाते हैं। भारतीय टीम में अगर आप देखें पावर प्ले 23 मैच 2019 वर्ल्ड कप से 11 विकेट लिए हैं सिर्फ और वो औसत देखिए 123 का और जब जब आप पावर प्ले में विकेट नहीं लेते 14 में से 8 मैचेस हारे हैं। क्या ये भी एक चिंता का विषय है जैक कि आप ऊपर अपफ्रंट विकेट्स नहीं ले रहे? जी बिल्कुल, क्योंकि ऊपर से जब आप विकेट लेते हो ना तो उसके दो फायदे हो जाते हैं। जब आप आपके पास मिडिल फेज में आपके स्पिनर्स आते हैं जिससे आप गेम को कंट्रोल करना चाहते हैं उनकी धार भी बढ़ जाती है तो वो एक एक चीज आप करने से चूकते हैं। जब स्पिन गेंदबाज आते हैं गेंदबाजी करने के लिए तो अगर विकेट ना गिरे हो पहले 10 ओवर में तो सेट बल्लेबाजों को गेंदबाजी आप कर रहे हो तो वो एक अलग तरीके से गेम चलता है। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, अगर आप हमेशा ही अगर पहले 10 ओवर में 2 विकेट या 1 विकेट लेते हो, रनों के गति पे अंकुश रखते हो, तो फिर आपको हमेशा एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है मिडिल फेज में अटैक करने का। तो उस नजरिए से बहुत बहुत ज्यादा अहमियत है इस पहले फेज की गेम के और वही तो टोन सेट करता है ना मैच का। तो जैसे आज भारतीय टीम पहले गेंदबाजी कर रही होगी तो जैसे उन्होंने गेंदबाज चुने उससे एक बात तो है कि आपने बुमराह को विश्रांति करने का मौका नहीं दिया है। आप चाहते हो कि कैसे भी करके आप ये मैच जीते, आपके बेस्ट कॉम्बिनेशन खेले और जिस तरीके से आपने अभी सोचा है कि हाँ पहले टॉस जीत के गेंदबाजी करना, तो जब आप टॉस जीत के गेंदबाजी करते हो ना तो आपके गेंदबाजी को उसी तरीके से आका जाएगा कि आप पहले 10 ओवर में कितने विकेट ले रहे हो। अगर आप 2 विकेट नहीं ले रहे हो या कंडीशंस उस तरीके से नहीं है तो फिर आपके आपके किस तरीके से आपने विकेट को पढ़ा है, पिच को पढ़ा है, उस पर भी फिर कुछ आशंका जरूर आएगी। तो देखना होगा कि किस तरीके से गेंदबाज शुरुआत करते हैं और कितनी मदद विकेट में है। बिल्कुल पाते हैं। और आज शायद उसी एंड को फर्दर करने के लिए एक नाम जो वहां भारतीय 11 में वो है दीपक चाहर वापस आए हैं, वो मदद कर सकते हैं भारत को इस रिकॉर्ड को थोड़ा सा सही करने में, पावर प्ले में विकेट लेने में माहिर है। ये बिल्कुल माहिर है क्योंकि वो खाली वनडे फॉर्मेट नहीं है, T20 फॉर्मेट में भी हमने देखा है कि जितनी भी बार नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं उनमें वो काबिलियत है, दोनों साइड स्विंग कराता है, एक्यूरेसी भी है उनमें, तो यू नो बिल्कुल दीपक चाहर में वो काबिलियत जरूर है। और मैं चाहूंगा कि यू नो अगर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करें कि भुवनेश्वर कुमार का कोई है तो वो है दीपक चाहर। तो मैं मेरी ऐसी सोच है यहाँ पर कि आपको दीपक चाहर अगर आपका एक स्विंग बॉलर है तो उसके साथ रह के आप हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा उनको मैचेस खिलाने चाहिए क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि आपको शुरुआत करना बहुत जरूरी होता है अच्छी। अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो अच्छा पावर प्ले जाना जरूरी है, अगर आप गेंदबाजी कर रहे हो तो उसमें शुरुआत में विकेट लेना बहुत जरूरी है और दीपक चाहर वो आपका एक जवाब बन सकता है कि यू नो अगर पावर प्ले में आपको विकेट की जरूरत है तो।